दोस्तों यहाँ पर मैं उस 16 मार्च की रात को जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 46 मिनट की थी लेकिन 46 मिनट की अपलोड नहीं होती, तो बीच में जहाँ भी ब्लैंक थी वो मैंने हटा दी और जो आवाज़ें आ रही है वही है। और मैं बताती जाऊँगी कि कहाँ पर क्या क्या हुआ। यहाँ मैं घर से थोड़ा दूर रिकॉर्डिंग चालू करके फ़ोन को अपने कपड़ों में छुपा कर अंदर जाती हूँ। अब मैं घर के आगे पहुंच चुकी हूं। घर के आगे एक मेरे हस्बैंड की स्कूटी और एक दूसरे आदमी की बाइक जिसके नंबर मुझे याद है और लाल कलर की बाइक थी, कौन सी बाइक थी सब याद है। यहां मैं अभी स्कूटी रोक के उतर रही हूं। मैंने हेलमेट उतार के स्कूटी के डिक्की में रखा और फिर यहां से मैं गेट की तरफ जाती हूं। गेट अंदर से लॉक लगा हुआ था। बाहर वाले रूम के आगे जूते पड़े थे, एक और आदमी अंदर था, जूते ज़्यादा थे और अलग थी, मैं पहचान गई। और फिर अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। अभी जो आवाज़ आई वो आपने सुनी। ये आधे मिनट तक वेट करने के बाद मैंने बजाया और इसके बाद एक मिनट तक फिर मैं जो है वेट करती रही। ये मैं सही से इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं वीडियो जितना काट रही हूँ उतना आपके बारे में आपको बता रही हूँ इस बारे में। गेट पर 3.25 मिनट तक वेट करने के बाद अभी जवाब आएगा अंदर से। तो दो बार ये दो बोल बोल हेलो करके मतलब वापस चला जाता है, गेट नहीं ही खोला है क्योंकि मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर मैं थोड़ी देर गेट बजाती हूँ और फिर रुक जाती हूँ कि क्या पता अंदर से कोई आता है और गेट खोलेगा। क्या आप में से किसी ने अपने घर में घुसने के लिए इस तरह वेट किया है कि जानबूझकर अंदर वाला गेट नहीं खोल रहा और आप लाचार से गेट पे खड़े हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बोले तो बोले वो बाहर वाले कमरे का गेट बंद करके अंदर चला जाता है और फिर मैं ऊपर से अंदर घुसती हूँ घर में। इसके बाद पहले मैं मेन जो एंट्रेंस होता है ना हॉल में, उस गेट पर गई कि वो खुला होगा तो वहाँ से अंदर जाऊँगी। उस पर बाहर से लॉक लगाया हुआ था। खिड़कियाँ भी मैंने चेक कर ली थी, खिड़कियाँ भी जो है अंदर से बंद थी पूरी तरह। इसके बाद मैं वापस जो है बाहर वाले कमरे के दरवाजे पर आई हूँ। मेरे ही मकान में घुसने से मुझे इस तरह जो है जलील किया गया, भगवान कसम जब तक मरूँगी ना मैं भूलूँगी नहीं। और मेरे साथ जो हुआ है ना बुरा, उसका एक एक गिन गिन कर बदला लूँगी और मेरा जो हक है वो लेकर रहूँगी। अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी, कम से कम बच्चों के लिए तो लेकर ही रहूँगी। बच्चों का हक मैं क्यों छोड़ूँ, अभी वो इतने छोटे हैं कब हक ले पाएंगे। आज ही मैं छोड़ दूँगी तो ये बच्चों के साथ अन्याय होगा। क्या प्रश्न कर रात के बोले काम के हाँ तो बकवास करे
अंदर इसके साथ एक दूसरा आदमी भी है और ये अंदर वाला रूम जो टीवी वाला, उसमें दोनों ही बेड, दोनों ही पलंगों के ऊपर सब्जियां पूरी बिखेरी हुई पड़ी है, खाना बिखेरा हुआ पड़ा है। पलंग जैसे रसोई घर है या फिर सब्जी मंडी है, कुछ भी पता नहीं चल रहा, वहाँ पर बैठे हैं। और जैसे ही मैं बाहर गेट बजाने लगी, इनकी अंदर खुसर फुसर की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। यहाँ जो मैं हर बार दरवाज़ा बजा रही हूँ, ये लगभग 1-1.5 मिनट बाद हर बार मैंने दरवाज़ा बजाया, बाहर का भी और अंदर का भी। और जैसे ही गेट खोला, उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग एक बार बंद करके दोबारा शुरू कर दी, जो कि आगे लगातार 46 मिनट यानी 46 मिनट तक चली है। तेरे तकलीफ क्या है, रात को क्यों परेशान कर रही है, यहाँ तेरा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ क्यों आई है रात को, और ऐसे कह के फिर से दरवाजा बंद कर दिया। जगदे नहीं क्या इनो लट साइज है नी को कन उभरे हो नी हमें रात मन आज बड़ा उभरे जतो आज बड़ा उभरे जतो जितने घंटे उभरे नो मन दिनो को दे नी ना वेलकम। यहाँ से इस बाहर वाले बड़े कमरे के दोनों दरवाजे बंद किए, वो आदमी भाग गया। जैसे ही मैं अंदर घुसी, वो मेरी साइड से भाग गया, मैंने शक्ल भी नहीं देख पाई। और फिर दोनों ही इस कमरे के दरवाजे बंद किए, फिर अंदर वाला जो टीवी वाला कमरा है वहाँ तक मुझे खींच के लेके गया, दरवाजा बंद किया और लाइट बंद की। बाहर जो अभी आवाज़ आई, वो बाइक वाला वहाँ से भाग कर गया था, बाइक वाले की आवाज़ आई थी, बाइक चालू करके भाग गया। अब घर के अंदर जितने भी दरवाजे हैं रूमों के, वो ये बंद कर रहा है। मोबाइल चालू और होने मोबाइल मोबाइल तू रात तक नहीं लगा मैं तो रात क्या है? मोबाइल के जो रिकॉर्ड होने का सिस्टम है वो मेरे मुंह के जस्ट पास था, इसलिए मेरी आवाज साफ नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। कोशिश तो बहुत पहली कर ली है, अजी तू कर तो जान, तू तने पिस्ता तो ले तो तू हाथ क्यों पकड़े क्यों मन में मोबाइल पहले मोबाइल कर के कर दू तो रात में तू क्यों आई है मन नहीं बता मनो हाथ ही हैंग छोड़ा ना वे हैंग आवे मन करी तो आ छोड़ दे तो कुछ तू क्यों लेकर मन तू आ छोड़ पहले बाबा के बाबा मत बता दे सब के
निकल जी बाहर और तेरे मेरी बात छोड़ मजे तेरे सामान लेना है मैं पहले ही बात छोड़ दे एक कान खोल दे तू सामान लेना तू मेरा हाथ छोड़ दे मेरे हाथ के लग गए तू छोड़ दे बस कह दियो बेटा दिन चोरी कर लेगी तुम सो लेगी हूं तने एक कह रही हूं पुलिस ले आ तो मन मन लेके तू चोरी को जान के केस कर दे यानी हमने माथा फूट मत कर ए कह दियो कोई सीधा आदमी लगा ले ए कोई सीधा आदमी और मोबाइल निकाल दे ना मैं लट ले जाऊंगा फिर मान लो जेटल देगा कुछ तो गंदे गालों का दिन ठोके इंडो तेरे बाप के तेरे के करना है कर जो करना कर कर तू तो देख मैं सब लोग मैं पकड़ लेंगे क्या है हम हाथ मुंह तो बिल्कुल नहीं ले हमें तो कहते मटे अजी के की मैं तू कर जो करना कर ठाल है यार झपका तू मेरे को ठोक तू ठोक ठोक दीदी ठोक लो बीच ठोक तू ठोक तू पेट्रोल तेरी मरो तू ठोक दे ठोक ना मैं ठोक दूँगा तेरे जो करो तू कर कर तो जाला ठोक हो ठोक तू ठोक ठोक दे दे तो ठोक ना तेरे जो करो तू कर माँ ओ मम्मा यहाँ मैं जैसे तैसे अंदर से निकल के बाहर बालकनी में आ गई थी और बालकनी के आने के बाद जो है ये मेरा कॉल बज रहा है बार बार किसका कॉल था मैंने ना बाद में देखा और ना उस टाइम में देख पाई दोस्तों इसके आगे मेरा मुंह पकड़ लिया और फिर जो है इतनी भद्दी भद्दी गालियां बोली जो कि रिकॉर्ड तो है मेरे फ़ोन में लेकिन ना तो मैं वो सुना सकती हूँ और ना ही मैं वो बोल सकती हूँ और ज़रूरत पड़ी तो कभी उसको भी बता दूँगी। इस तरह मतलब कुछ भी बोल सकता है ये इंसान, किस रिश्ते के बारे में क्या बोल रहा हूँ इसको कोई लेना देना नहीं है। जब वो थक हार के छोड़ के अंदर गया मुझे
उसके बाद मैं कन्फर्म हुई कि अब वापस नहीं आएगा, तब मैं दीवार के ऊपर से दीवार फांद के बाहर आई और मैं वहाँ से फिर स्कूटी लेके महिला पुलिस थाने के लिए निकल गई।